मंगलवार को वैशाली की सांसद बीना देवी ने चिराग पासवान के साथ जाने का ऐलान कर दिया है, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या पशुपति पारस की पार्टी में बीना देवी एक अकेली ऐसी सांसद है जो चिराग पासवान की पार्टी में आ रहे हैं, या फिर उनके जैसे कई नेता हैं जो उन पशुपति पारस को झटका देने जा रहे हैं। बात करेंगे वरिष्ठ सहयोगी आशुतोष मिश्रा से। सर, जिस तरीके से हमने देखा वैशाली की सांसद से हमने बातचीत करने की कोशिश भी की थी और उन्होंने ये कहा था कि मतलब चिराग पासवान के साथ जाने का ऐलान किया और उन्होंने ये कहा कि हम उनके विजन के साथ हैं, तो अब सवाल ये भी उठता है कि पशुपति पारस के कई नेता होंगे, क्या उनको झटका देने वाले हैं? बिल्कुल बिल्कुल निशा, ऐसी चर्चा राजनीतिक गलियारों में चल रही है और बहुत तेजी से चल रही है कि सिर्फ वैशाली की जो सांसद है वीना देवी वो ही नहीं, बल्कि कुछ और सांसद भी हैं पशुपति पारस गुट के और कई और बड़े नेता भी हैं कि पशुपति पारस को झटका दे सकते हैं। और इस बात की ओर इशारा हमने कल ही हमारा रवि उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार है उनके साथ जो डिबेट हमने की थी उसमें इस बात के संकेत दिए थे, हमने चर्चा भी की थी, कार्रवाई की बात तक कही थी। हालांकि कार्रवाई में जो वीना देवी के बारे में देर शाम हमने बात की आरएसपी के प्रवक्ता से, तो उन्होंने कहा कि पार्टी ने उन्हें बोल ही दिया था कि आप जाने के लिए स्वतंत्र हैं और इसलिए बोल दिया था चूंकि उन्होंने क्षेत्र में काम नहीं किया था तो टिकट कट नहीं वाला था, इसीलिए वो आजाद थी, इसीलिए उन्होंने ये डिसीजन लिया है। हालांकि हमने पूछा कि कार्रवाई तब, तो कार्रवाई करने की बात ऐसी कुछ नहीं है, लेकिन कार्रवाई करने में बाध्यता भी है। बाध्यता इसलिए है चूंकि दल बदल कानून के तहत उनकी सदस्यता रद्द हो सकती है, ऐसा कानूनी प्रावधान है, लेकिन फिलहाल जो लोकसभा में है वो लोजपा आर और लोजपा रामविलास लोजपा राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को अलग अलग पार्टी की मान्यता नहीं मिली है, बल्कि दो तरह की मान्यता मिली है, दो गुट की मान्यता मिली है। ऐसे में कार्रवाई में पेच है, चाहकर भी पशुपति पारस वीना देवी पर शायद कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर सकते हैं, तो ये एक पेच है। रही बात तो कई और सांसद हैं, तो क्या वो चिराग पासवान के संपर्क में ही है या कहीं और संपर्क में है? तो देखिए, जो खबरें हम लोग कल से शुरू कर चुके हैं, चला रहे हैं, उसी से संबंधित एक दैनिक जागरण की रिपोर्ट भी छपी है, उसके मुताबिक पशुपति पारस के दो तीन ऐसे सांसद हैं जो सिर्फ चिराग पासवान ही नहीं बल्कि राजद में भी संभावना तलाश रहे हैं, जदयू में भी राह देख रहे हैं, जदयू में भी जाने की कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस से भी संपर्क में हैं और चिराग पासवान से तो है ही है। सब लोग श्योरिटी चाहते हैं, एश्योर होना चाहते हैं कि कौन पार्टी उनका वेलकम करती है और कौन उन्हें उनकी महत्वाकांक्षा को फुलफिल करने में मदद करती है, यानी कि चुनाव लड़ने की जो महत्वाकांक्षा है वो उनकी पूरी हो पाती है। तो जिधर से भी हरी झंडी मिलेगी, समय देख करके, वक्त देख करके, वो लोग उधर पाला बदल सकते हैं। फिलहाल जो वीना देवी के बाद पशुपति पारस के जो धरे में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में जो लोग हैं वो पशुपति पारस के अलावा तीन और सांसद हैं। एक है सूरज भान सिंह के भाई, नवादा से जो सांसद हैं चंदन सिंह हैं, एक खगड़िया से हैं महबूब अली कैसर और एक हैं समस्तीपुर से प्रिंस राज, जो कि पशुपति पारस के भाई रामचंद्र पासवान के ही पुत्र हैं और पशुपति पारस के भतीजे हैं, जो कि लॉयल लगते हैं, जो कि तमाम विषम परिस्थितियों में भी पशुपति पारस के तरफ से मोर्चा संभालते हुए नजर आते हैं। तो प्रिंस राज की बात तो शायद अभी करना ठीक नहीं होगा, लेकिन बाकी जो दो हैं महबूब अली कैसर और नवादा के जो सांसद है चंदन सिंह जी वो दोनों इधर उधर ताक झाक कर सकते हैं, ऐसी चर्चा चल रही है, ऐसी बातें सामने आ रही है। महबूब अली कैसर से तो पहले भी, वो महबूब अली कैसर नीतीश कुमार से मिल चुके हैं, चिराग पासवान से भी मिल चुके हैं और वैसे भी वो प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं बिहार के कांग्रेस के, वो तो बड़े नेता में शुमार हैं, उनकी पार्टी ही उनके पुत्र भी राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं महबूब अली कैसर के, तो उनके भी तमाम पार्टियों में एक्सेप्टेंस है, तमाम पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं से उनकी जान पहचान है, फपती है, अच्छी है। तो चुनाव में सबको यही चाहता है कि सबसे पहला लक्ष्य जो होता है कि किसी भी अच्छी पार्टी से, जिताऊ पार्टी से उनको टिकट मिल जाए, तो
ऐसा हर कोई करता है। और वैसे भी ये जो सांसद की बात आप छोड़ दे, तो पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं, कुछ नेता हैं जो कि हमेशा पशुपति पारस के साथ खड़े रहते थे और चिराग पासवान के खिलाफ बोलते रहते थे, वैसे भी कई नेता हैं जो कि पशुपति पारस से खफा हैं, नाराज नजर आ रहे हैं। उनमें से एक हैं, प्रधान महासचिव हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के, केशव सिंह। लगातार हम उनका बयान चलाते रहे अपने आईवी टीवी पर। उन्होंने तो जो कार्यक्रम था मंगलवार को हाजीपुर में पशुपति पारस की पार्टी की ओर से जो लोकपाल का स्थापना दिवस समारोह मनाया गया था, उस पार्टी उस कार्यक्रम में भी जाना नहीं मुनासिब समझा। उस कार्यक्रम से उन्होंने दूरी बनाई और जागरण का ही, दैनिक जागरण का ही इंटरव्यू में उन्होंने उनके हवाले से छपी हुई है, जहां पर उन्होंने कहा है कि पशुपति पारस दलालों से घिरे हुए हैं और उनके अपने पास रखते हैं, और बहुत सारी बातें उन्होंने की है जो कि जागरण की रिपोर्ट में छपी हुई है। उन्होंने कहा है कि समर्पित नेताओं और वफादारों की उपेक्षा करते हुए शक करते हैं, पारस वन मैन शो बनकर हिटलर की तरह पार्टी चला रहे हैं, सामूहिक निर्णय लेने की परिपाटी खत्म कर दी है। ये बयान है राष्ट्रीय महासचिव का, केशव सिंह का। इतना ही नहीं, यहाँ पर भी नहीं रुके वो, उसके अलावा उन्होंने कहा कि अध्यक्षों से लेकर जिला अध्यक्ष तक की नियुक्ति में किसी वरिष्ठ नेता से पूछते तक नहीं है पशुपति पारस, न कभी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक बुलाते हैं और न ही संसदीय बोर्ड की मीटिंग करते हैं। और चिराग पासवान के जिन बिंदुओं से नाराज होकर पारस के नेतृत्व में लोजपा के सांसदों और नेताओं ने अलग दल बनाया था, उनका कहना है केशव सिंह का कि उसी बीमारी से वैसा ही काम कर रहे हैं पशुपति पारस। मतलब उनके पास न कोई नीति है न कोई सिद्धांत है, सिर्फ रामविलास पासवान का नाम बेच रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी में पारस जी को छोड़ करके चारों सांसद जो हैं, उनका दावा है कि वो राह तलाश रहे हैं और सही समय का इंतजार कर रहे हैं, और वीणा देवी इसका एग्जाम्पल है। तो ये बयान है पार्टी के फिलहाल जो राष्ट्रीय महासचिव है, बड़ा पोजिशन है, बड़ा पोस्ट है केशव सिंह का। तो उनके भी हजारों समर्थक है जिन्होंने इस कार्यक्रम से दूरी बनाए रखी, नहीं गए वो, और इस तरह के कार्य स्टेटमेंट वो दैनिक जागरण को देते हैं। हमने भी उनसे संपर्क करने की कोशिश की है, हम उनका इंटरव्यू भी लेने की कोशिश करेंगे और इस बयान के बारे में पूछेंगे कि आखिर किन परिस्थितियों में, आखिर क्या नाराजगी है उनकी। लेकिन फिलहाल यही स्थिति है कि पशुपति पारस के सांसद हों या नेता हों, किसी न किसी वजह से उनकी नाराजगी सामने आ रही है, सतह पर आ रही है, और ये उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। जिस तरीके से उन्होंने हाजीपुर में अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की है, उस ताकत में सेंध लगाने, उस ताकत पर बट्टा, साठ पर बट्टा लगाने की कोशिश खुद उनके नेता और सांसद करते हुए नजर आ रहे हैं। अब जैसा दावा किया जा रहा है कि सही वक्त का इंतजार है, समय का इंतजार है, तो देखते हैं कि वो वक्त कब आता है और कब, और वाकई में इन प्रयासों में या इन चर्चा में या फिर केशव सिंह की बातों में दम है, तो बाकी तीन सांसद जो हैं, ये दो सांसद जो हैं, कब पाला बदलते हैं या नहीं बदलते हैं, ये वक्त की बात है। लेकिन फिलहाल पशुपति पारस की पार्टी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, ऐसा कहा जा सकता है। हालांकि उनकी पार्टी की तरफ से लगातार इस बात का खंडन होता रहा है कि पार्टी में कुछ भी ऑल इज वेल नहीं है। उनके मुताबिक पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है और हाजीपुर से तो पशुपति पारस ही लड़ेंगे, और बाकी जो उनके जो चार सीटिंग है, सीटिंग गेटिंग दो का फॉर्मूला होगा और बीजेपी उनको ही ये सीटें भी देगी और उनके ही उम्मीदवार चुनाव लड़ते हुए भी नजर आएंगे। निशा, तो देखिए जो स्थिति देखी जा रही है उसके हिसाब से ये कहा जा सकता है कि पशुपति पारस को आने वाले दिनों में झटका मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से संभावना जताई जा रही है कि तीन ऐसे सांसद हैं जिन, चंदन सिंह, महबूब अली कैशर, प्रिंस राज, लेकिन दो ऐसे सांसद जिनकी उम्मीद लग रही है कि पशुपति पारस को झटका मिल सकता है।